रिश्वत रेखा पे जितने देश है ना, वहाँ के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं, उनको देख कर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। बहुत सुंदर लड़की वो देखिएगा, जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सर, ना सुंदर लड़की की लड़की सर, अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा। और हिंदुस्तान में जो बनेगी उसी को मिलेगा काला, पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बताशा में चिमटा घुसा हुआ। कश्मीर की कली, वाह वाह, समझ गया, कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं। अरे यूपीएससी है ना, खखोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा, कहेंगे हमारे बाप के सार, तो कहेंगे कौन चीज बोल रहा है बाप के सार। अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार, वही ऐसे पूछता है। भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया, हम तो आपको धाएं दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में, लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है, कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में? अब लड़का पढ़ लगे टुंडरा टैगा कौन सी हो रही है, टुंडरा टैगा लो, टुंडरा टैगा यहाँ पर, वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है, सबको उन्होंने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेजते था कहीं इमोजी कौन सी पढ़ेंगे, इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही है सर, टुंडरा बोल रहे था अपन फोटो भेज रही है सर, टुंडरी तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग, अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सर। हिंदी मीडियम वाला तो कहीं को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला, और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखटवा बना रहा था इमोजी बोला जाता है। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है, ये रेखा है विषुवत रेखा, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा, ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ये हमारा कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया, टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहे, ये विषुवत रेखा हो गया। ये बबुआ एक बात बता दो, जो विषुवत रेखा है वही ना सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा, विषुवत रेखा पे पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जाता है अधिकतम कहाँ तक, ये कर्क रेखा तक, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, आपको भी पता है आठ राज्यों से, थोड़ा बहुत तो आप भी पढ़े होंगे, शॉर्टकट गमछा झाड़ू सब फालतू चीज होता है। अब यहाँ देखिए, ये तो है मकर रेखा बबुआ, ये है मकर रेखा, यही है ना मकर रेखा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ ध्यान से देखो, सूर्य मकर रेखा से जाएगा कहाँ पर, कर्क रेखा तक, और कर्क रेखा पर जाने के बाद ये वापस आएगा कहाँ पर, मकर रेखा पर। अब जरा देखिए, जाते वक्त भी एक बार विषुवत रेखा पे चमक के गया सीधे, आते वक्त भी एक बार विषुवत रेखा पे चमक गया, यानी दो बार तो खड़े चमका, और जब सूर्य यहाँ पर होगा तो इधरों देख रहा होगा इधरों देख रहा होगा, उस वक्त भी विषुवत रेखा को देख ली, और जब सूर्य नीचे होगा तो इधर भी देख रहा होगा, गर्मी दे रहा होगा इधर भी देख रहा होगा, यानी ससुरा अगर आप विषुवत रेखा पे रह गए ना, जान ले लेगा सूर्य आपका, इतना ना गर्मी करेगा, इसलिए विषुवत रेखा पे जितने देश है ना, वहाँ के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं, इतना भयानक काला होता है सर, उनको देख कर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सर, बहुत सुंदर लड़की वो देखिएगा, जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सर, सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना, सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा, तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया, तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया, तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की अजबे सबसे फसल लाती है सर, एकदम खौराइल रहेगा, खूब सुंदर लड़की लेकर घूमेगा। आप देखिए ना, एक देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से बिया की हो, बताइए हम लोग उस टाइम खा लिए थे, अजब वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सर ना, सबका सब मिलेगा सर काला काला, और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा काली, तो सबसे ज्यादा गर्मी बता दूंगा कहाँ पड़ेगा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, जितना इक्वेटर का एरिया है सबसे भयानक गर्मी झेलता है, सबसे भयानक गर्मी कौन झेलेगा बबुआ, इक्वेटर वाला। अब एक बात बता बाबू ध्यान से, अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो गर्मी पड़ेगा कि ठंडा, ठंडा पड़ेगा, गर्मी वाले एरिया में लोग काले हो जाते हैं और ठंडी वाले एरिया में गोरे हो जाते हैं, यानी विषुवत रेखा से जितना दूर जाएंगे आप गोरे होते जाएंगे, और ठंडा लगने लगेगा, विषुवत रेखा के पास आएंगे तो काले हो जाएंगे, गर्मी लगेगा। देखिए ये हमारा हिंदुस्तान, इंडिया हमारा, चलो बबुआ ये रेखा देखिए, कौन सी रेखा बताइए फटाफट, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है ना जी, पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है, जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे
ठंडा पड़ेगा लोग गोरे हो जाएंगे, जैसे जैसे करीब आएंगे गर्मी पड़ेगा लोग काले हो जाएंगे। हिंदुस्तान में देख रहे बबुआ, हिंदुस्तान में जल्दी फटाफट आप कमेंट वमेंट ना बबुआ, फटाफट हिंदुस्तान इंडिया में देखो, इंडिया में, इंडिया में ये हमारा हिंदुस्तान, निचवा वाला केरला तमिलनाडु विषुवत रेखा के एकदम करीब है, तो साउथ के लोग में गर्मी ज्यादा पड़ता है और साउथ के लोग काला काला होते हैं लोग, साउथ इंडिया के लोग देखिएगा गोरे नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाएंगे ठंडी पड़ेगा और लोग गोरे हो जाएंगे, और ऊपर जाइए और गोरे होंगे, और ऊपर जाइए और गोरे होंगे, सबसे ऊपर चले जाइए कश्मीर, चले जाइए कश्मीर, कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली वाह वाह, समझा गया, कोई फेरल लवली की जरूरत नहीं है, कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं, और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झोंसल मिलता है, कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है, बाल्टी में सोचो फेरल लवली गोर क्यों में नहा लेगी तो गोर ना हो जाएगी, उस समय भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं भैया, साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या, हम खुद काला है, हम कहते लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ, साउथ वाले सब काले ही होते हैं, काले से क्या दिक्कत है, जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब, चलो ध्यान आप समझ में, कश्मीर के लोग गोरे, अच्छा कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा, उसे गोर तो रूस वाला होगा सर, ऐसे जरा रूस वालों को देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा ऐसे छीलल मुर्गी है, ऐसे कर देता है तो खून दिखने लगता है, भूगोल कितना ईजी है ना, ईजी नहीं है, इजी नहीं लगा इसको, सुतल है, आगे बढ़े, तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी, और जो बीवी में रहेगी गोरी, भूगोल का नियम नहीं है भाई, देखिए ध्यान से समझिए, अब ये तो कश्मीर वाला का मैटर समझ में आ गया आप लोगों, आगे बढ़े, लेकिन ये जितनी फनी वीडियो थी मैं कहता हूँ आपको कहता है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।